नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आप देख रहे हैं फिल्मी बस, जहां आपको मिलती है फिल्मी दुनिया की हर खबर। चलिए बिना देर किए शो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आपको लेकर चलते हैं पाकिस्तान और बताते हैं आखिर क्यों मॉडल और एक्ट्रेस सदफ कनवल आज ट्रोल हो रही हैं। पाकिस्तानी एक्ट्रेस सदफ कनवल ने महिलाओं को लेकर एक बयान दिया है जो सोशल मीडिया पर छाया हुआ है। उनके बयान के बाद सोशल मीडिया पर हैशटैग अ हस्बैंड इज अ कल्चर ट्रेंड कर रहा है। क्या है पूरा मामला, आपको बताते हैं। दरअसल हाल ही में एक टीवी इंटरव्यू के दौरान पाकिस्तानी एक्ट्रेस और मॉडल सदफ कनवल से एक सवाल पूछा गया कि क्या पाकिस्तानी महिलाएं मजलूम हैं। इसके जवाब में सदफ ने कहा कि औरतें मजलूम बिल्कुल नहीं है, वो बहुत मजबूत हैं। मैं तो खुद को बिल्कुल भी कमजोर नहीं मानती, औरतें बेचारी नहीं है। इसके बाद आगे उन्होंने कहा कि हमारा कल्चर क्या है, हमारा मियां है, मैंने शादी की है, मुझे उसके जूते उठाने हैं, उसके कपड़े प्रेस करने हैं, मुझे ये बात पता होनी चाहिए कि मेरे पति के कपड़े कहाँ हैं, मुझे पता होना चाहिए कि उसकी चीज़ें कहाँ रखी हैं, उन्हें क्या खाना पसंद है, लेकिन मेरे पति को इस बारे में पता नहीं होना चाहिए क्योंकि मैं औरत हूँ, मैं यही देखकर बड़ी हुई हूँ। आजकल काफ़ी लिबरल्स आ गए हैं लेकिन मेरा फेमिनिज्म यही कहता है। इस बयान के बाद सदफ अब सोशल मीडिया पर ट्रेंड करने लगी है। सोशल मीडिया पर यूजर्स उन पर निशाना साध रहे हैं। शराज हसन नाम के यूजर ने इंडिया का उदाहरण देते हुए कहा, भारत की पुरुष और महिला टीम टोक्यो ओलंपिक के सेमीफाइनल्स में पहुंच गई है और हम मेरा मियां मेरा कल्चर कर रहे हैं। वहीं शाहरुख वानी नाम के यूजर ने लिखा, कल्चर जहां पति चाहता है कि पत्नी उसे एक बच्चे की तरह केयर करे। तो वहीं एक यूजर ने लिखा कि पुरुषों को नौकरानी चाहिए या पत्नी। सदफ का बयान पाकिस्तानी सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहा है, जिसको देखते हुए पाकिस्तानी कॉमेडियन अली गुल पीर ने तो उनके इंटरव्यू की धज्जियां ही उड़ा दी। वैसे इस इंटरव्यू के दौरान सदफ के पति शहरोज भी वहां मौजूद थे, लेकिन मजाल है जो पत्नी के सामने एक शब्द भी कह पाया हो बेचारा। बढ़ते हैं आगे हमारी अगली खबर फिल्म भुज का इंतजार करने वालों के लिए। अजय देवगन की आने वाली फिल्म भुज द प्राइड ऑफ इंडिया का दूसरा ट्रेलर आज रिलीज हो चुका है। ये फिल्म इंडिपेंडेंस डे से पहले 13 अगस्त को रिलीज होगी। ऐसे में ये फिल्म हमें अपने इतिहास का वो चैप्टर दिखाएगी जिसे देखने के बाद आप भी कहेंगे कि कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। दूसरा ट्रेलर देखकर आपको इस फिल्म के लिए इंतजार और भारी हो जाएगा। दूसरे ट्रेलर में अजय देवगन कहते हैं, हम उस महान छत्रपति शिवाजी की औलाद हैं जिन्होंने मुगलों को घुटनों पर ला दिया था और अपने खून से हिंदुस्तान का इतिहास लिख दिया। डायलॉग्स तो फिल्म के जबरदस्त हैं। उम्मीद है कि जब फिल्म रिलीज होगी तो ट्रेलर की तरह वो भी शानदार ही होगी। बाकी हमें बार बार ये बताने की जरूरत नहीं है कि ये फिल्म सच्ची घटना पर आधारित है। बढ़ते हैं आगे और आपको थोड़ी गुदगुदाने वाली खबर दे देते हैं। टीवी का पॉपुलर और सुपरहिट कॉमेडी शो द कपिल शर्मा शो का नया सीजन 21 अगस्त से ऑन एयर होगा। इसके लिए मेकर्स ने तैयारियां शुरू कर दी है। वहीं फैंस नए सीजन के पहले गेस्ट के बारे में जानने के लिए बेकरार हैं। तो अब आपका इंतजार खत्म हो गया है क्योंकि द कपिल शर्मा शो के नए सीजन के पहले गेस्ट अक्षय कुमार हो सकते हैं, जो अपनी फिल्म बेल बॉटम की टीम के साथ शो के पहले गेस्ट बनेंगे। यानी शो के पहले एपिसोड में खूब धमाल और मस्ती होने वाली है। इस फिल्म में अक्की जासूस का किरदार निभा रहे हैं, जिसमें उनके साथ लारा दत्ता, हुमा कुरैशी और वाणी कपूर भी दिखाई देंगी। अक्षय की फिल्म 19 अगस्त को विन डीजल की हॉलीवुड फिल्म फास्ट एंड फ्यूरियस 9 से टक्कर लेगी क्योंकि दोनों फिल्म एक साथ रिलीज हो रही है। बढ़ते हैं आगे। नैन्सी भाभी के किरदार से मशहूर होने वाली एक्ट्रेस नंदिता दत्ता और फोटोग्राफर मैनाक घोष की गिरफ्तारी के बाद अश्लील फिल्में बनाने के आरोप में बंगाल पुलिस ने दमदम इलाके से एक और एक्टर स्नेहाशीष बल को गिरफ्तार कर लिया है। वो भी नैन्सी भाभी के साथ अश्लील फिल्मों में किरदार निभाता था। शिल्पा शेट्टी के पति और बिजनेसमैन राज कुंद्रा को पोर्न और अश्लील फिल्में बनाने के मामले के बाद कोलकाता में भी डर्टी फिल्म बनाने के मामले का खुलासा हुआ है। अश्लील फिल्में शूट करने और उसे पोर्न साइट पर अपलोड करने के आरोप में उन्हें गिरफ्तार किया गया है। ऐसा कहा जा रहा है कि नंदिता दत्ता राज कुंद्रा के ऐप के लिए भी काम कर चुकी हैं। कोलकाता पोर्नोग्राफी फिल्म रैकेट के मामले में अभी तक कुल 4 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। इसमें सबसे पहले नए मॉडल से अश्लील फिल्में कराने के आरोप में नैन्सी भाभी के किरदार से जानी जाने वाली नंदिता दत्ता और फोटोग्राफर मैनाक घोष को गिरफ्तार किया गया था। उसके बाद इनसे पूछताछ के बाद हुबली जिले से फोटोग्राफर शुभंकर दे को भी गिरफ्तार किया गया। वो फिलहाल 4 दिनों की पुलिस हिरासत में है। अगली खबर शिल्पा शेट्टी कुंद्रा से जुड़ी हुई है। सोशल मीडिया पर बुरी तरह से ट्रोल होने के बाद अब फिल्म इंडस्ट्री के कई लोग शिल्पा के सपोर्ट में सामने आ रहे हैं। ऐसे में एक्टर आर माधवन शिल्पा को सपोर्ट करते दिखे। उन्होंने शिल्पा के पोस्ट पर कमेंट करते हुए लिखा, जिन लोगों को मैं जानता हूँ उनमें से आप सबसे ज्यादा मजबूत हैं और इसीलिए मैं मानता हूँ कि इस चुनौती को भी आप गरिमा से पार कर लेंगे।
हमारी दुआएं आपके परिवार के साथ। इस मामले में शमिता शेट्टी ने भी अपनी बहन का साथ देते हुए उनके पोस्ट पर कमेंट किया है और लिखा है, आई लव यू मेरी मुनकी, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ हर अच्छे और बुरे वक्त में। शमिता का ये कमेंट पढ़ने के बाद शिल्पा शेट्टी ने भी दिल वाली इमोजी बनाई है। शिल्पा शेट्टी के पक्ष में सबसे पहले ट्वीट किया था फिल्म मेकर हंसल मेहता ने। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा था कि जब बॉलीवुड में पार्टी होती है तो सभी एक हो जाते हैं, लेकिन जब किसी को दिक्कत होती है तो सभी लोग गायब हो जाते हैं, जो बिल्कुल सही नहीं है। अब क्या कहें, कुछ कहेंगे तो शिल्पा जी हमसे भी पैसे मांगने लगेंगी। अगली खबर शमिता शेट्टी को लेकर। वैसे एक बात तो माननी पड़ेगी कि जीजा के जेल जाते ही साली साहिबा को थोड़ी लाइमलाइट मिल गई है। राज कुंद्रा की गिरफ्तारी के बाद कुंद्रा परिवार की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। ऐसे में राज के परिवार के साथ साथ उनसे जुड़े लोग भी ट्रोलिंग का शिकार हो रहे हैं। इस बीच शमिता शेट्टी जुहू के एक सैलून के बाहर स्पॉट की गई, जिसके बाद लोगों को कमेंटबाजी करने का मौका मिल गया। शमिता को सैलून के बाहर स्पॉट किया गया, ये वीडियो सेलिब्रिटी फोटोग्राफर वीरल भयानी ने अपने इंस्टाग्राम पर शेयर किया है। वीडियो सामने आते ही यूजर ने उन्हें ट्रोल करना शुरू कर दिया। कुछ लोगों ने तो शमिता को ये तक कह दिया कि जीजा जी जेल में है और ये सैलून में। वहीं एक और यूजर ने लिखा, इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कि जीजू जेल में है, वो इन्हें लॉन्च करने की तैयारी में थे। एक यूजर ने तो लिख ही डाला कि स्टाइल में रहने का। हालांकि कई यूजर्स ने शमिता का समर्थन भी किया और ट्रोल करने वालों को नजरअंदाज करने की नसीहत भी दी। अब क्या कहें, लोगों को तो बहाना चाहिए होता है बोलने का। वैसे ये लोग सही कह रहे हैं या गलत, इसका फैसला तो आप यानी जनता जनार्दन ही कर सकती है। चलिए अब हम आपसे लेते हैं विदा, लेकिन जाने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज बेल आइकन दबाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा।